अक्षय कुमार इस वक्त बेहद तेज गति के साथ नई फिल्में साइन कर रहे हैं और फटाफट उनकी शूटिंग शुरू करके खत्म भी कर रहे हैं। अब इस लाइन में अगली फिल्म है तमिल फिल्म सुरराई पोट्टू का हिंदी रिमेक। अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है और उन्होंने इसका ऐलान एक वीडियो के साथ किया है। इस वीडियो में राधिका मदान नारियल फोड़कर इस शुभ काम की शुरुआत करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में फिल्म के डायरेक्टर सुधा कंगारा भी दिखाई दी। फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है और अक्षय कुमार ने फैंस से नाम के सुझाव मांगे हैं। सुधा कंगारा ने ही तमिल फिल्म को डायरेक्ट किया है जिसके हीरो थे सूर्या। सूर्या सुरराई पोट्टू का हिंदी रीमेक प्रोड्यूस कर रहे हैं। सुरराई पोट्टू रीमेक के राइट सूर्या के पास हैं और वो इस फिल्म को बेहतरीन स्तर पर हिंदी में बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने अक्षय कुमार को अप्रोच किया। अक्षय कुमार मादक की मुख्य भूमिका में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के लिए अभी से फैंस काफी उत्साहित हैं। सुरराई पोट्टू रीमेक के लिए पहले शाहिद कपूर का नाम चर्चा में था। शाहिद कपूर के अलावा फिल्म के लिए अजय देवगन, ऋतिक रोशन और जॉन अब्राहम का नाम भी चर्चा में था। अजय देवगन और जॉन अब्राहम दोनों ही आजकल देशभक्ति ट्रेंड फॉलो करते हुए फैंस का दिल लगातार जीत रहे थे। जहां बाकी स्टार्स ने फिल्म में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, वहीं शाहिद कपूर ने इतनी ज़्यादा फीस मांगी कि मेकर्स ने उस फीस को अक्षय कुमार पर इन्वेस्ट करना बेहतर समझा। सुरराई पोट्टू एक एयरफोर्स ऑफिसर गोपीनाथ की कहानी है। गोपीनाथ भारत की इकलौती किफ़ायती एयरलाइन सिंप्लीफाइड डेक्कन के मालिक हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जैसलमेर में बच्चन पांडे की शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार से मिलने 15 से 20 प्रोड्यूसर पहुंचे थे। उसके बाद अक्षय कुमार लगभग 10 से 12 फिल्में के लिए ही हामी भर चुके थे, जिनमें से कुछ आधिकारिक पुष्टि बाकी थी। सुरराई पोट्टू भी उन्हीं फिल्मों में से एक है।